हाय, मैं हूँ स्वाति। फूड बेली में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक पारंपरिक रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है शिरवाड़े। ज्यादातर ये रेसिपी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बनाई जाती है। मेरी मॉम सावंतवाड़ी से है, उनके पास से ये मैंने रेसिपी सीखी है। ये रेसिपी चावल के आटे से बनाई जाती है और नारियल के दूध के साथ खाई जाती है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही अलग है और इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकॉन है, उसे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शिरवाड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चावल का आटा लिया है। फिर ये 1 टीस्पून तेल और 1 टीस्पून नमक लिया है। ट्रेडिशनली ये रेसिपी बनाने के लिए चावल को धोकर उसे सुखाया जाता है और बाद में उसे पीस कर लाते हैं। बाजार में जो मोदक का आटा मिलता है उससे भी ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैंने यहाँ पे मोदक का आटा लिया है। अब हमें आटे को स्टीम कर लेना है। 2 कप चावल के आटे के लिए ये 2 कप पानी मैंने उबालने रखा है। पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें तेल और नमक डालेंगे और चावल का आटा डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये आटा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब एकदम स्लो फ्लेम पर हम इसे ढक्कन रख के 6 से 7 मिनट तक भाप लेंगे। छः से सात मिनट हो चुके हैं, आटे को अच्छी तरह से भाप आ चुकी है। अब हम आटे को परात में निकालेंगे। इसे हमें गरम गरम गूंदना है। आटा बहुत गर्म है, इसलिए हम कटोरी या बर्तन को तेल से चिकना करके उसकी सहायता से आटे को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि उसमें कोई गुठलियां ना रहे। तो ऐसे हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हाथों से आटे को गूंद लेंगे। हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम इसे गूंद लेंगे। ये आटे को हमने गूंद लिया है। अब हाथों को तेल से चिकना करके हम आटे से ऐसे लंबे लंबे गोले बनाएंगे। अब ये सारे गोले बनाकर तैयार होने के बाद हमें इसे वापस स्टीम कर लेना है। सारे गोले बना के रेडी है। स्टीमर को मैंने गैस पे रख दिया है। अब 10 मिनट हम इसे स्टीम कर लेंगे। इसे स्टीम होने के लिए 10 मिनट लगेंगे, तब तक हम नारियल का दूध बना लेते हैं। इस सेवैया को नारियल के मीठे दूध के साथ खाया जाता है। नारियल का दूध बनाने के लिए मैंने ये 1 कप नारियल लिया है। उसमें डालने के लिए 1/2 कप गुड़, ये थोड़ा सा नमक और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ली है। मिक्सी में नारियल डालकर हम उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और दिखाए अनुसार नारियल का दूध निकालेंगे। इसमें मैंने टोटल 1 से 1.5 ग्लास पानी डाला है।
दूध एकदम पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें गुड़ मिलाने के बाद वो थोड़ा पतला हो जाता है। ये 2 ही बार पानी डालकर मैंने नारियल का दूध बना लिया है। अब इस दूध में हम गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें नमक और इलायची पाउडर डालेंगे। तो ये नारियल का दूध तैयार है। दस से 12 मिनट हो चुके हैं। हमने जो चावल के लंबे लंबे गोले स्टीम करने रखे थे वो भी तैयार है। इन गरम गरम गोलों से हमें सेवियां बनानी है। यहाँ पे मैंने शिरवाड़े बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल साँचा आता है वो लिया है। इसमें से बनाए हुए शिरवाड़े हम सबको बहुत पसंद है। सब जगह ये अवेलेबल नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, इसके बजाय आप जो चकली बनाने का साँचा होता है उसमें सेवियां बनाने वाली जाली डालकर आप उसमें से सेवियां बना सकते हो। स्टीम किए हुए आटे के गोले गरम हैं, तब तक हमें इसमें से सेवियां बना लेनी है। शुरुआत करने से पहले मैं इस सांचे में पानी लगा रही हूं ताकि आटा इसमें चिपके नहीं। अब ये वीडियो में दिखाए अनुसार हम ये सारे गोलों में से सेविया बना लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सेविया बन रही है। ये प्लेट में चिपके नहीं, इसलिए मैंने ये केले का पत्ता लिया है। केले का पत्ता ना हो तो प्लेट को थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लीजिए, फिर सेविया प्लेट में नहीं चिपकेगी। ये डिश बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। आजकल बच्चे मैगी या जंक फूड खाते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसे कई सारी हेल्दी ट्रेडिशनल रेसिपीज है जो बना के हम बच्चों को खिला सकते हैं और वो सेहत के लिए अच्छी भी होती है। देखिए कितनी अच्छी सेवैया बन रही है। तो लीजिए अपने शिरवाड़े तैयार है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये शिरवाड़े कैसे खाने हैं। एक बड़े बोल में शिरवाड़े रखकर हम उस पर जो हमने नारियल का दूध बनाया है वो डालेंगे और उसे मिक्स करके खाएंगे। चावल की सेवैया और नारियल का गुड़ वाला दूध मिक्स करके खाने का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही फ्लेवरफुल और लाजवाब है। इसे आप लंच या डिनर या ऐसे ही एज अ डेजर्ट भी खा सकते हो। तो आप इसे ज़रूर बना के देखिए और एंजॉय कीजिए, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।